हे गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद जावेद। इस वीडियो में हम आज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन इज वन ऑफ देम। प्रोनाउन कम्स एट सेकंड प्लेस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट वन इज नाउन एंड द सेकंड वन इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाई डू वी नीड टू यूज दिस? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड अराइज इन योर माइंड। इफ यू हैव दैट क्वेश्चन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। कहने का मतलब कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है, शब्द होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। किसके जगह पे? नाउन के जगह पे। यानी कि हम बार बार नाउन को ना घसीटने के बजाय वहाँ पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक और जो मेन रीज़न होता है, प्रोनाउन इज़ जनरली यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। वही चीज़ जो मैंने बताया कि घसीटने के बजाय हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में है जावेद इज़ एन इंग्लिश टीचर। ठीक है जी, अच्छा है, समझ गया। जावेद टीचर्स इंग्लिश टू जावेद स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये जावेद 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 कितने बार रिपीट हो रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है ना। इसी को एलिमिनेट करता है प्रोनाउन, और इसी के जगह पे आके वो लग जाता है। कैसे? लेट्स सी। अब यहाँ से हम जावेद को हटा दिए, ठीक है, और यहाँ से भी जावेद को हटा दिए, और इसके जगह पे हम कुछ ऐसी चीज़ें लगाएंगे जो सेम मीनिंग रहेगा बट वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि जावेद को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, यहाँ पे ही लगा सकते हैं ना। जावेद इज एन इंग्लिश टीचर, ही टीचेस इंग्लिश टू हीज स्टूडेंट। अब ये सेम मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो नाउन के जगह पे आके लग गए, जावेद के जगह पे आके लग गया। जावेद क्या था? एक नाउन था, उसके जगह पे आके लगा, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। इस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यस, दिस इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा था, आई फॉरगॉट दैट। जावेद इज एन इंग्लिश टीचर, ही टीचेस इंग्लिश टू हिज स्टूडेंट। सेम चीज जो मैंने ऊपर अभी अरेंज करके लिखा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस, अब ये जितने भी लिस्ट्स आपको देख रहे हैं ना, वो उनमें से कुछ हैं। अब इतना ही नहीं होता है प्रोनाउन, और भी होता है। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, हिज, हर्स, देयर्स, हर प्रोनाउन नहीं होता है। मोस्टली वी गेट कन्फ्यूज कि हर हाउस, हर होम, हर बैग। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि हर और हर्स, देयर और देयर्स, योर, योर और योर्स में क्या अंतर होता है। यहाँ से यहाँ तक जितने हैं जी, वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जितने हैं वो क्या है, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से सारे के सारे नहीं लिए गए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के। अब आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कितने होते हैं। प्रोनाउन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो हमने कैटेगराइज किया है वो कुछ इस तरह हैं। पहले हमने लिया सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। अगर आप चाहें तो ये तीनों को किसी एक चीज़ के अंदर ही, दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने शो कर दिए हैं। ये सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, पोजेसिव मालिकाना हक दर्शाने के लिए, किसी का कुछ है। इफ समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और इफ समबडी ओन्स समथिंग, उसको शो करने के लिए, पोजेसिवनेस शो करने के लिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। आई टोल्ड देम, ही टोल्ड मी, ठीक है। ये योर्स जो है वो पोजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यू होगा। अब आते हैं हम चौथे प्रकार पे। आप चाहो तो इसको एक के अंदर फर्स्ट टाइप में भी तीनों को तीनों डाल सकते हो, या फिर अलग अलग मैंने कर दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स जो है, मैंने और बाकी जितने प्रोनाउन्स हैं उसके एग्जांपल्स दे दिए हैं। अगर आपको इन प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें बता दें, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएंगी। अब आते हैं वापस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या हैं प्रोनाउन में। दिस इज माई हाउस, यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, विच, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इंटरोगेटिव, और भी होते हैं, ये इतने ही नहीं होते हैं, उनमें से कुछ हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, हुम हो गया, दैट हो गया, हुएमेवर हो गया, इस तरह के एग्जांपल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है ऑल, अनदर, एनीबॉडी, समबडी, सम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इंटेंसिव प्रोनाउन में दोनों वर्ड्स सेम होते हैं,
बस इसके यूजेज अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो मेक श्योर यू लाइक इट एंड गिव अ सब्स टू माई चैनल।